का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या थे, ठीक है। तो बेसिकली वो भी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बेस कर रहा था, यानी फ़ायदा किसको दे रहा था, प्रेसिडेंट साहब को दे रहा था, प्राइम मिनिस्टर वाला सिस्टम नहीं था, क्योंकि अयूब खान वो पहले प्रेसिडेंट थे जो बागे दहन ये कहा करते थे, यानी सरेआम ये कहा करते थे कि भाई पब्लिक अभी इतनी अकलमंद या इतनी ज़्यादातर वो शऊर वाली नहीं हुई कि उसे जो है वो अडल्ट डेमोक्रेसी दी जाए, यानी कि वो वन बाय वन वोट वाले सिस्टम को नहीं मानते थे, इसीलिए उन्होंने बीडी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। तो इसी वजह से जब 1965 के जो इलेक्शन हुए तो उसमें कहा तो जाता है धांधली से जीते, बट जैसे भी जीते तो वो बीडी सिस्टम के तहत थे कि यानी बेसिक डेमोक्रेसीज जो थी 80,000 के करीब जो नाजिम नाइब नाजिम कोसलर वगैरह थे उन्होंने चुनना था, जो है वो प्रेसिडेंट को चुनना था। तो एक साइड पे अयूब खान थे, दूसरी साइड पे फातिमा जिना थी, लेकिन फातिमा जिना को बावजूद इसके कि सारी अपोजिशन उनके साथ थी फिर भी वो हार गई और अयूब खान जीत गए, ठीक हो गया। तो 65 तक बहुत ही ज़बरदस्त काम हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन की या डिकेड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी से कहा जाता है कि इंडस्ट्री के अंदर, खास करके एग्रीकल्चर के अंदर, क्योंकि तीन चीज़ों को अयूब खान ने टारगेट किया, ये ज़रा समझ लें कितनी बातों को, तीन बातों को, तीन मेन पॉइंट्स को अयूब खान ने आते ही जो है कहा कि हम इनके ऊपर सबसे ज़्यादा काम करेंगे। तो वो कौन कौन सी थी, सबसे पहला कि भाई पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है देखो उसकी बैकबोन क्या है। तो पता चला जो बैकबोन है वो तो एग्रीकल्चर है, कहा अच्छा तो एग्रीकल्चर जो पकड़ो इसे, कहा पकड़ो इसको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया कि भाई मॉडर्नाइजेशन आई, एजुकेशन दी गई, फर्टिलाइजर्स यूज़ हुए, यानी किसानों को हर तरह से फैसिलिटेट किया गया, भाई प्रोडक्शन करनी है ऐसा ही है ना। तो उससे क्या हुआ कि हमारी जो एग्रीकल्चर थी वो बहुत बड़ी इन 10 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई हमारे एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर, जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा ग्रोथ होगी इन 5 सालों के अंदर। उसके बाद जो अगले 5 साल गुजरे उसमें भी हुई, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हो सकी क्योंकि वो थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी कंडीशन पैदा होगी। इसी तरह से दूसरा कहा, दूसरा क्या भाई प्रॉब्लम है, कहा इंडस्ट्रीज़ की कमी है पाकिस्तान में, कहा अच्छा चलो जी इंडस्ट्रीज़ को पकड़ो, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर काम किया। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मॉनिटरी पॉलिसी बनाई, इंसेंटिव्स दिए जो बिजनेस करना चाह रहे थे, जो बाहर से बिजनेस लाना चाह रहे थे, जो एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे उनको इंसेंटिव्स दिए। इसी वजह से देखें, अगर आप देखें तो इमरान खान बार बार एक एग्जांपल देता होता है अपने जलसे के अंदर, क्या कि भाई 1960s के अंदर पाकिस्तान ऊपर जा रहा था, पता नहीं कितना ऊपर जा रहा था, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि सच में ऊपर जा रहा था, तो वो यही दौर था, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पे सिस्टम बना, पूरे पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज़ का जाल फैलाया गया, रोडें सड़कें बनाई गई, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम हुआ इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी, हैवी इंडस्ट्रीज स्पेशली पाकिस्तान के अंदर आई, और साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर काम किया गया, ठीक है, ये तीसरा टारगेट था। एजुकेशन रिफॉर्म्स लाई गई, एजुकेशन को चेंज किया गया, सिलेबस को चेंज किया गया, ठीक है जी, और इस तरह से उसके अंदर भी सिस्टम को चेंज किया गया ताकि भाई एक पढ़ा लिखा तबका जो है वो सामने आ सके। तो ये बेसिक टारगेट्स थे और इनको अचीव किया गया, बहुत ज़्यादा हद तक जो है अचीव किया गया। इस तरह से अगर हम वाटर रिजर्वायर्स की बात करें तो ये तरबेला डैम जो है उसी टाइम पर बना, अयूब खान ने इसको बुनियाद रखी इसकी, और उनकी कोशिश ये थी कि ये तरबेला पहला डैम है और इससे नीचे जैसे जैसे हम जाते जाएंगे तो ये सारे डैम, तरबेला है, मंगला है, कालाबाग है, ये बनते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट किया बेसिकली, वो खुद भी हरिपुर के थे तो उन्होंने यहीं से प्रेफर किया कि यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यानी इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमारी इंप्रूवमेंट हुई। उसके बाद अगर हम दूसरे अचीवमेंट्स की बात करें तो लॉज लेके आए, फैमिली लॉज लेके आए लोगों के लिए, मसालियाती कमीशन लेके आए कि भाई लोकल लेवल पर काम करो, यानी जहाँ जहाँ उन्हें मौका मिला उन्होंने कोशिश की कि उसको रिफॉर्म किया जा सके। ब्लैक मनी के ऊपर जो है उन्होंने सिस्टम स्टार्ट किया कि भाई ये जो पैसा चोरी हो रहा है मुल्क का इसको किसी तरह से रोका जा सके। प्राइस कंट्रोल का सिस्टम लेके आए कि भाई जो प्राइसेस जो हैं ऊपर जा रही हैं और पता ही नहीं चलता तो इनको कंट्रोल किया जा सके। अच्छा, इस्लामाबाद को कैपिटल बनाया, ऐसा ही है, कराची था तो कराची पहले GHQ शिफ्ट किया गया पिंडी के अंदर और फिर इस्लामाबाद को जो है वो वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। अब ये बहुत बड़े बड़े काम हैं जो कि बज़ाहिर शायद हम फील ना कर सकें, लेकिन एक ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ पे पिछले 12 साल से जो है वो कुछ हुआ ही ना हो और फिर अचानक से कुछ होना शुरू हो जाए, लेकिन फिर क्या हुआ कि वॉर आ गई, आहा, यानी हर उरूज को जवाल है ना। तो फिर क्या हुआ कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के 5 साल हमारे रहे 1960 से लेके 65 तक, लेकिन फिर 1965 की जो वॉर आ गई वो भी पाकिस्तान का एक स्टार्ट किया हुआ जो ऑपरेशन था जिब्राल्टर जो कश्मीर में था उसके अगेंस्ट में जो है उन्होंने इंडिया ने अटैक किया हमारे ऊपर। तो ये 17 डेज़ की जो वॉर चली 65 की, अब इसकी अभी मैं स्टोरी नहीं स्टार्ट करता, लेकिन उसमें क्या हुआ, हम जीते मगर उसके बाद ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ और वो सारी जीती हुई जंग हमने
फिर वापस कर दी। ऐसा ही है ताशकंद के अंदर। तो उससे फिर क्या हुआ कि जो अयूब खान के जो हम देखते हैं कि वज़ीर ख़ारजा थे, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर थे भुट्टो जो थे, उनको इख्तलाफात भी पैदा हुए, तो उन्होंने जो है वो ताशकंद से वापस आके अपनी एक पार्टी बना ली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो उससे फिर जो है इनके ख़िलाफ़ एक मूवमेंट स्टार्ट होगी। तो यहाँ से मुल्क के कंडीशन, मुआशी हालात दोबारा से ख़राब होना शुरू हो गए और एक मूवमेंट स्टार्ट हुई कि भाई किसी तरह से हमने अब अयूब खान को जाने देना है। तो ये आप एक कह लें एक फेलियर था कि 1965 की जो वॉर के बाद जो ताशकंद डिक्लेरेशन था, ये वो बेसिक पॉइंट था जिसने जो है अयूब खान की गवर्नमेंट को बहुत ज़बरदस्त करके टारगेट किया और एक पूरी की पूरी कंपेन लॉन्च कर दी भुट्टो ने जो है जलसे की जलसे जुलूसों की शक्ल में अयूब खान के खिलाफ, और जगह जगह जो है ना स्टूडेंट्स बाहर आ गए, एक मूवमेंट स्टार्ट हो गई। इसी तरह से फिर शेख मुजीबुररहमान जो है उस साइड से तंग कर रहे थे मुसलसल कि भाई हमें जो है हक नहीं दिया जा रहा, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, वो 6 पॉइंट्स आ चुके थे सामने। तो ऐसे में फिर ये वो चीज़ें थी जो कि अयूब दौर को नीचे लेके जाना स्टार्ट हो गई। वो जो प्रोग्रेस थी हमारी बहुत ज़बरदस्त किस्म की, वो नीचे आना शुरू हो गई और यहाँ से हमें लॉस होना, यानी जब भी हम परफॉर्म करना शुरू करते हैं कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से प्रॉब्लम्स आए, फिर इसी दौरान जो है अयूब खान बीमार भी हो गए, ठीक है, 2 बार उन्हें हार्ट अटैक आया, और इसी तरह से फिर याह्या खान आए और आके उन्होंने इख्तदार संभाल लिया। अब वैसे ही यहाँ पर जैसे 58 के अंदर जो हमने देखा कि अयूब खान ने ज़बरदस्ती जो है सिकंदर मिर्ज़ा को घर भेजा था, वैसे ही याह्या खान ने जो है अयूब खान को कहा अरे भाई आप अब बीमार हो चुके हैं, अब आप घर पे रेस्ट करें, अब हुकूमत मुझे दें। अयूब खान ने कहा नहीं। कहा अच्छा, दरवाजे को लगाई कुंडी, तो कहा सिग्नेचर करें भाई यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि हिस्ट्री रिपीट करती है ख़ुद को ना, तो बस फिर वो एक स्लोगन भी पैदा हुआ, बड़े बुरे बुरे स्लोगन अब क्या जिक्र किया जाए, जैसे अयूब खान कुत्ता एक बहुत फेमस स्लोगन जो है वो मशहूर हुआ। इवन कहा जाता है अयूब खान ने अपने एक दोस्त के यहाँ एक चाय पी जिस कप में, तो उस कप को तोड़ दिया। दोस्त ने पूछा क्यों तोड़ा, तो कहा इसलिए तोड़ा कि भाई देखो कुत्ते का जूठा तो अब कोई नहीं पीता, मतलब वट एवर जो भी सच्चाई है कि नहीं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि बहुत ही बुरी तरह से फिर जो है ना अयूब खान की गवर्नमेंट ख़त्म हुई। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त दौर रहा, इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से, रिफॉर्म्स के हवाले से, साइंस टेक्नोलॉजी एजुकेशन के हवाले से। इवन हम कर्ज़ देने वाले मुल्कों में शुमार थे, हमने $120 मिलियन का जर्मनी को जो है वो कर्ज़ दिया उस दौर में। हमारा PIA जो है बहुत ऊपर जा रहा था, हमने बहुत ग्रोथ की, HBL जो है हमारा बैंक, यानी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हमने की अयूब खान के एरा के अंदर ओवरऑल। तो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, ठीक है, ये तो था अयूब खान का।